तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। 19 फरवरी 2021 विश्व स्तरीय कैंसर केयर सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध SCG NCHRI केयर सेंटर नागपुर में हाल ही में न्यूजीलैंड के नागरिक की सफल कैंसर सर्जरी कर उसे जिंदगी के नए आयाम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। 61 वर्षीय न्यूजीलैंड के नागरिक इयान क्रेग नील, जो कि वर्क वीसा पर भारत में कार्यरत है, उन्हें अपने कार्यालय के दौरान महसूस हुआ कि उनकी गर्दन के दाई तरफ एक गांठ बन चुकी है। मरीज ने HCG NCHRI कैंसर सेंटर में आकर परामर्श लिया, जहां डॉक्टर अजय मेहता सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर निखिल पांडे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनका निरीक्षण किया और सभी जांचों के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है और तत्काल शल्य क्रिया की आवश्यकता है। पहले स्टेज 1 में आएगा, स्टेज 2 में आएगा, स्टेज 3 में आएगा, लेवल 3 में आएगा, लेवल 4 में आएगा, तो ये सब गठाने निकालना पड़ता है। एक भी गठान कहीं दिखी तो हमको ये पता नहीं कि कितनी पॉजिटिव है। जब हमने 42 गठाने निकाले, उसमें से 3 और पॉजिटिव निकली जो दिखी नहीं थी पहले। ये इंपॉर्टेंट है सर्जरी का। अब सर्जरी से हमको स्टेज पता चल गया, अब स्टेज पता चल गया, पर प्राइमरी यहाँ पे ये इनके इस पे पता नहीं कहाँ है, इसीलिए हम रेडिएशन देंगे। रेडिएशन को जहां जहां से आ सकता है कैंसर, वो पूरी जगह रेडिएशन देना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी। और रेडिएशन का इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कीमोथेरेपी और टारगेटेड इंजेक्शन, ताकि उसका इफेक्ट और बढ़ जाए। तो टोटल ये ट्रीटमेंट इज अराउंड 30-35 सेटिंग्स, यानी डेढ़ महीना चलता है, अराउंड सेटिंग्स डेढ़ महीना, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे 2 दिन रेस्ट, ऐसा 6 से 7। माइक लीजिए ना, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि किन किन कारणों से कैंसर होता है, एक। दूसरा ये प्रश्न है मेरा कि जब कैंसर का किसी हमको पेशेंट को पता चलता, मैंने आपसे दो साल पहले ये प्रश्न पूछा था रेडिसन ब्लू में, आज भी पूछ रहा हूँ कि अगर जिसको कैंसर होता है तो ये भावनाएं रहती है लोगों की कि कैंसर के मरीज में जो शुक्राणु होते हैं, मतलब वो कीटाणु जो होते हैं, वो तेजी से फैलते हैं, इसलिए लोग हॉस्पिटल जल्दी जाते नहीं है। मैं आपके प्रश्न, मुझे याद है, आज भी मैं वही जवाब दूंगा। पहली तो बात यह है, कैंसर कीटाणु नहीं रहते, कैंसर बॉडी के अंदर सेल्स रहती है, पेशियां रहती है, जो अनियंत्रित रूप से मल्टीप्लाई होती है, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 16, 64 ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। एक पेशी कैंसर की 24 घंटे में 10 लाख हो सकती है, 15 लाख हो सकती है। अब जो लोगों में डर की बात आप बोल रहे हैं, डर क्या होता है, लोगों को लगता है कि तुम टुकड़ा निकालोगे तो वो कैंसर फैल जाएगा, वैसा भी फैलने वाला है, वैसा भी कैंसर फैलने वाला है अगर तुम ट्रीटमेंट, वो क्या होता है, बायोप्सी ले लेते हैं हम, डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आपको कैंसर है, वो डर के मारे भाग जाता है, फिर वो 3 महीने के बाद आता है, बोलते देखो डॉक्टर साहब अब इतना बड़ा हो गया, आपने बायोप्सी किए। अरे कब किए बायोप्सी, 3 महीने पहले, तो 3 महीने और आज में बढ़ेगा नहीं क्या, ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, क्योंकि वो गठान कैंसर की हो सकती, वो कैंसर, वो टीबी की हो सकती, वो इन्फेक्शन की हो सकती, तो बायोप्सी तो सबसे पहले मस्ट है कैंसर के निदान के लिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा ये कि कैंसर छूत की बीमारी है क्या, जैसा आप बोले कि कीटाणु, कीटाणु नहीं है, ये बॉडी के अंदर स्वयं उनकी सेल्स है, जैसे RBC हो गई, WBC हो गई, ये मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, ब्लड कैंसर हो रहा है। अब ओरल कैंसर जो रहता है, इंडिया में 30-35% ऑफ कैंसर इज रिलेटेड टू ओरल इनटेक ऑफ टोबैको, 35% कैंसर टोबैको रिलेटेड है, ताकि हम वहां रखते हैं उसमें तमाकू और उसमें चूना और ये सब मिक्सचर रहता है, क्रॉनिक इरिटेशन होता है, क्रॉनिक इरिटेशन के वजह से एक दिन तमाकू खाने से कैंसर नहीं होता है, 5 साल 10 साल 15 साल खाने के बाद होता है। आज मेरे पास एक लड़का आया 28 साल का, टुडे आई सॉ 28-year-old बॉय इन द ओपीडी और उसको कैंसर था। मैंने उसको पूछा तुम तमाकू खाते हैं क्या, नहीं सर मैंने छोड़ दिया, हैव स्टॉप ईटिंग टोबैको, इसे बोला तुमने शुरू किया था, हाँ सर,
10 साल का जब था तब से. When he was 10 years old, he started taking tobacco and he got cancer at the age of 28. अब आज अगर उनको मैं ऑपरेट करूंगा तो I'll have to remove his everything. Now अभी उसकी शादी भी नहीं हुई. Now ये दर्दनाक बातें हैं कि आज भी 2021 में भी स्टेज 4 के कैंसर हम 70-80% देखते हैं. आज भी इस हॉस्पिटल में जो नागपुर में है 70% पेशेंट्स आर इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4. नाउ वेयर आर वी गोइंग? नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ मीडिया. यू हैव टू कीप ऑन हैमरिंग द साइड इफेक्ट्स और दुष्परिणाम ये टोबैको के. अब ठीक है, अग्रीड, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू एजुकेट. अब ये देखो 10 साल का लड़के को कहां है नॉलेज है कि ये, पर इसकी लत लग जाती है, इसकी हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है. नाउ टू टेल द पेशेंट टू रिमूव कि टू स्टॉप ईटिंग टोबैको इज वेरी डिफिकल्ट. तो जिसे हम कहते हैं डी एडिक्शन, हमारे हॉस्पिटल में वी हैव अ डी एडिक्शन सेंटर ऑल्सो फॉर टोबैको अल्कोहल, बट टोबैको ज्यादा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू 35% ऑफ द कैंसर्स आर टोबैको रिलेटेड. तो उसका डी एडिक्शन प्रोग्राम है, इट्स अ 6 वीक्स प्रोग्राम. उसमें निकोटीन के पैचेस देते हैं एंड देन वी डू लॉट ऑफ काउंसिलिंग. इन लोग काउंसिलिंग करते हैं पेशेंट्स का, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स और कैसा छोड़ना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. ही केम ऑन 12th को आए शाम को एंड वी ऑपरेटेड नेक्स्ट डे. ऑपरेशन कितने समय तक चला? अराउंड 1.5 hours to 2 hours एंड ही वाज इन द आईसीयू. इन्होंने इवनिंग में ही आस्क्ड मी कैन आई हैव माय मोबाइल. कैन यू इमेजिन शाम को मोबाइल फोन मांगे, बिकॉज ही सेड आई वांट टू टॉक टू माय वाइफ. हिज वाइफ वाज इन थाईलैंड. आई सेड डू यू वांट, अदरवाइज हम ऑपरेशन पोस्टपोन करेंगे ना. ही सेड नो, डोंट वेस्ट टाइम, डू इट टुडे. I talked to her in the evening. Evening में उन्होंने बात किए and next day onwards I saw him on his computer, laptop.